हमारे सामने है विकासशील इंसान पार्टी के, वीआईपी पार्टी के, क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा सर, आप नाम बताइएगा खुल के अपने से ही। आदर्श कुमार निषाद जी और पिंटू, पिंटू। मैं कसबेहार तागपुर का रहने वाला हूँ। मेरा पुराना घर गुनाई बसी का है और मैं डॉक्टर मुखा बाबू के का पोता हूँ और इस वक्त मैं वीआईपी पार्टी का विधानसभा मोरवा का प्रभारी भी हूँ। अच्छा, जैसे कि आप बोले कि आप अपने दादाजी का नाम पहचान किया, तो क्या विशेषता आपके दादाजी में है उनके बारे में? क्योंकि आप पिताजी से पहले उनका नाम लिए हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है जानना कि दादाजी का क्यों नाम लिया। हाँ, उसका एक वजह है कि निषाद समाज में वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर हैं और एमएलसी भी रहे हैं वो 1952 से ही मरणोपरांत तक। और इस यहाँ पे वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोग पढ़ना लिखने के बारे में सोचता नहीं था, उस ज़माने में दादाजी हमारे एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिए, उसी का प्रभाव है कि आज उन्हीं का देखा देखी बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा लेकर पढ़ना लिखना पर ध्यान दिया है। हमारी जाति आज भी उनका नाम बहुत गर्व से लेती है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब कि निषाद समाज के लिए आपके दादाजी भी मतलब कि एक रोल मॉडल है। बिल्कुल रोल मॉडल हैं और इसमें कहने की बात नहीं है। और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अंग्रेजों के जुल्म से उनको कई तरह की बीमारी हुई जिससे उनकी मौत सिर्फ 52 साल की उम्र में ही हो गई। मतलब एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, तो उनका पोता होने के नाते आप अपने क्षेत्र में किस तरह से अपने समाज को, अपने क्षेत्र को कैसे आप डेवलप कीजिएगा, कैसे विकास कीजिएगा आने वाले समय में? आने वाला विधानसभा भी है, 2020 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, नज़दीकी है विधानसभा चुनाव। तो इसके बाद जो विधानसभा चुनाव में जो भी सिलेक्ट होके आते हैं उनके लिए, और आप अपने तरफ से क्या कीजिएगा आने वाला विधानसभा में और अपने समाज के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले कि महागठबंधन के ही लोग मोरवा से लड़ेंगे, जो लोग भी लड़ेंगे हम लोग उनको तन मन धन से उनका सपोर्ट करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय नेता मुकेश सहनी जी का भी कहना है और हम लोग का भी है कि सबसे पहले शिक्षा पे हम लोग ध्यान देंगे। सारी बुराई के जड़ में अगर कुछ है वो है शिक्षा का न होना। अगर आप शिक्षित हैं, आप अगर शिक्षा आप को प्राप्त है, तो आप निश्चित तौर से अच्छे और बुरे में अंतर कर पाएंगे। अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो सबसे बड़ा पहला हम लोग का उद्देश्य रहेगा कि हम लोग शिक्षा का प्रसार करें, लोगों को अवेयर करें कि एजुकेशन का पावर क्या है। जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, आपका स्कूल भी चलता है एजुकेशन के, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो आपके बच्चे होते हैं उनको किस तरह से शिक्षा देते हैं? और आप एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, तो किस तरह से आप अपने स्कूल के बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं? लेकिन बच्चों को हम लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि बेटा एजुकेशन तो पाना ही है, लेकिन एजुकेशन पाने के बाद अगर आप अच्छा इंसान नहीं बन सकते तो एजुकेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तो एजुकेशन आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। तो एजुकेशन सिर्फ नौकरी पाने के लिए एजुकेशन लेना ये हम लोग का उद्देश्य नहीं होता। हम लोग हमेशा ये कहते हैं बच्चा कि आप इस देश के नागरिक हैं और आप एक अच्छे इंसान होंगे, अच्छे सिटीजन होंगे, तब ये देश तरक्की करेगा। ना कि आप सिर्फ आप खुद पढ़कर नौकरी कर लें और अपना जीविका, अब जरूरत है कि आप जो करें उससे दूसरों को फायदा हो, यही हमारा मोटिव है कि अच्छा चरित्र निर्माण, अच्छा सिटीजन और अच्छा इंसान बने, यही मेरा एजुकेशन का मूल ध्येय है। अब रहा कि अभी तो चुनाव आने वाला, चुनाव आ ही गया, लगभग चुनाव चालू, तो इसकी तैयारी आपकी पार्टी कैसे कर रही है अपने विधानसभा क्षेत्र में?
क्योंकि अभी जो है कोरोना का माहौल है, इसमें जनसंपर्क बहुत दायरे में सीमित में हो सकता है, तो लोग से जनसंपर्क भी करना मुश्किल है क्योंकि लोग डरे हुए भी हैं, कोई भी जाते हैं तो उनसे भी डर जाते हैं, लोग भी कोरोना है हो सकता है कहीं में फैल नहीं जाए, तो इसको लेके कैसे आप लोग प्रचार कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? जो जमाना सोशल मीडिया का है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आपकी पार्टी का क्या है। हम लोग बहुत कम की संख्या में, एक दो लोग चार लोग मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को अपनी बात बता रहे हैं, अपने पार्टी की बात बता रहे हैं। महागठबंधन के मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो होगा वो जो है बताया जा रहा है, सामाजिक न्याय की बात है वो कर रहे हैं, और बूथ लेवल पे हम लोग कमेटी का गठन कर रहे हैं। अभी पार्टी बहुत कम दिनों की पार्टी है और हम लोग अब बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता को पहुंचाने में लगे हुए हैं। आप जैसे बोले कि सोशल मीडिया के थ्रू, तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक बढ़ जाता है प्रचार प्रसार के लिए, क्या आपको लगता है कि आपके समाज में या आपके आसपास के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, मोहल्ला विधानसभा में रह रहे हैं, क्या उसमें से 100% लोग इस प्रचार प्रसार से उनको पार्टी के बारे में जानकारी मिलेगी या कोई भी पार्टी हो, क्या ये प्रचार प्रसार सही तरीका लग रहा है अभी प्रचार करने के लिए? क्योंकि बिल्कुल सही तरीका तो नहीं है, क्योंकि हम बोले कि शिक्षा की कमी है, तो अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोबाइल है लेकिन एंड्रॉयड नहीं है, एंड्रॉयड है तो वो उतना टाइम नहीं दे पाते, नहीं समझ पाते कि क्या करना है। उसके लिए जो फिजिकली अपेरेंस होता है आपका फेस टू फेस, वो सबसे बेस्ट वे है करने का, लेकिन हम लोग उसका भी प्रयास कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और कम लोगों की संख्या, बिना जत्थे में जाए, एक लोग, दो लोग, तीन लोग करके इस तरह से भी हम लोग कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि सोशल मीडिया से सिर्फ युवाओं को हम जोड़ सकते हैं, युवा हमारी शक्ति हमारे साथ है, वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको तो जुड़ा सकता है, लेकिन हमारे जो चाचा, दादा, दादी, बुआ, मौसी हैं उनको नहीं किया जाता, उनके लिए आपको फिजिकली बोलना होगा। तो प्रधानमंत्री जी का काफ़ी पहले डिजिटली प्रोग्राम आया था भारत के अंदर, आया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया है, तो डिजिटली तरीके से प्रमोट किया जाए, डिजिटल को काफ़ी प्रमोट किए प्रधानमंत्री हमारे। और अभी ऐसा लगता है जब गांव वगैरह में जाते हैं तो अभी भी डिजिटली तौर पे लोग एजुकेटेड नहीं हो पाए, काफ़ी दिन हो गया उनका ये प्रोग्राम चलाया हुआ, तो उसके बाद भी एजुकेटेड नहीं हो पाए हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे, कैसे लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए कि डिजिटली लोग एजुकेटेड हो? अगर मैंने एक ही बात पहले कहा कि जब तक लोग एजुकेशन नहीं पाएंगे तब तक कोई भी आपका प्रोग्राम भारतवर्ष में नहीं चलेगा। आप बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, आप 70-75 साल से आप आज़ाद हैं, आप अभी तक लोगों को साक्षर नहीं कर पाए हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। सबसे पहले आप कोई पार्टी कुछ ना करे, किसी को कुछ ना दे, अगर ये प्रण बना ले और एक राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाए कि हम अगले 25 साल में, 50 साल में हम अपने भारत के एक एक लोगों को एजुकेट कर देंगे, तो ये डिजिटल प्रोग्राम तो 10 मिनट का काम है। अभी जो आप नेटवर्क आपने दिया है, नेट दिया है, मोबाइल दिया है, एंड्रॉयड फ़ोन दिया है, वो बच्चे लोग उस पर व्हाट्सएप पर और गाना भेजना, चुटकुला भेजना और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग के लिए है, उसका रियल यूज़ जो है वो तब करेंगे ना जब आपको एजुकेशन आपके पास होगा और आपको लगेगा कि ये चीज़, ये मटेरियल हमें चाहिए, वो आपको नेट पे है, आप उसको ढूंढेंगे, तो आपको इसलिए तो दिया नहीं गया। एक बेवकूफ़ अभी आदमी, जो भी पढ़ा लिखा भी आदमी नहीं है, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उनको आपने मोबाइल दिया, तो मोबाइल दिया तो वो मोबाइल तो बात करने के लिए, वीडियो कॉलिंग करने के लिए यूज़ करेगा। इससे डिजिटल इंडिया नहीं होगा, डिजिटल इंडिया के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से अगर सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान दे दिया जाए तो इस देश की तरक्की को रोकने के दुनिया का कोई भी आदमी इस देश की तरक्की नहीं रोक सकता। मतलब कहने का अर्थ है अभी तक जितनी भी सरकार बनती आ रही है वो एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रही है, इस कारण नहीं ध्यान दे रही है कि अगर लोग डेवलप हो जाएंगे तो साक्षर होंगे तो कहीं ना कहीं
उनका पॉलिटिक कैरियर भी खराब होने का चांस होता है। एकदम ये सही बात है, इसमें कहने की बात ही नहीं है। जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग समझदार हो रहे हैं, आप देखिए धरना प्रदर्शन दुनिया जहां इतना जो बढ़ रहा है, जो लोग एजुकेट हैं अपने हक हकूक के लिए लोग लड़ रहे हैं, वो कौन लड़ रहे हैं, किसने इस बात को बढ़ाया है? वो सिंपल सी बात है, जो थोड़ा सा एजुकेट हुआ है वो समझ गया है कि कोई आपके साथ क्या कर रहा है, कोई छल कर रहा है, कोई आपको कैसे लड़ा रहा है, किस बात के लिए लड़ा रहा है, किस वजह से लड़ा रहा है, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पे, कोई ऊंच नीच के नाम पे, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, उसके नाम पे हर तरह से ये हो रहा है। अगर एजुकेट हो जाएंगे लोग तो आप उनको लड़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कानून का भी पालन होगा, जैसे किसी तरह कानून का पालन नहीं हो पा रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। अच्छा, ये अब 15 साल नीतीश बाबू का भी सरकार रहा है, तो इस 15 साल और 15 साल, क्योंकि 15 साल पीछे जाते हैं तो 15 साल पीछे बहुत पीछे हो जाता है, लेकिन इस 15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या कमी रह गई है? क्योंकि आपकी विधानसभा से विद्यासागर निषाद जी जो विधायक हैं वो भी नीतीश जी के ही साथ हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि वो किस तरह अपने क्षेत्र को डेवलप किए, वो भी आप ही के जाति से बिलोंग करते हैं, तो किस तरह डेवलप किए अपने जाति? विधायक जी की बात तो आप किसी और से पूछ लीजिए, बात करिए, विधायक जी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 5 साल पूरा हो गया, और उनको अगर दोबारा जीत के आना है और उन्होंने काम किया है तो इस बार भी वो जीत के आएंगे, उनको पब्लिक जिताएगी, उनके बारे में बोलने की कोई बात ही नहीं है। नीतीश कुमार जी की जहाँ तक बात है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उनकी 2-3 बात हम भले उनके विरोधी पार्टी हैं सब कुछ है, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, 2-3 काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जैसे कि आज स्कूल में अगर लड़कियां जा रही हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और इसमें हम नकार नहीं सकते। आज बच्चियां अगर स्कूल में दिख रही हैं, उनको चाहे साइकिल योजना से हो या उनको प्रोत्साहन से दिया गया हो, तो जो बेटियाँ अगर स्कूल पहुँच रही हैं तो स्कूल पहुँचाने में नीतीश जी का हाथ है, नीतीश जी का हाथ है। शुरुआती दौर में उन्होंने सड़क वर्ग पर भी काम किया है, तो हमारा पॉलिटिक्स इस बेस पे नहीं होगा कि हम विरोध में हैं तो उनको हर वक्त उनको डिफेंड करें, गाली बकें, ये नहीं कर सकते। उनका अच्छा काम है, कोई शक नहीं, स्वास्थ्य के दिशा में भी उन्होंने काम किया है। अब ये है कि आप अच्छा सोच के करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हम ही होते हैं वहाँ, हम ही इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। आज NGOs के थ्रू बहुत सारा सुविधा है, जाँच की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है, सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन क्या है कि जो NGO चला रहे हैं वो सरकार का योजना आप तक नहीं पहुँच पाते। नहीं, अभी जैसे कि हम लोग देखे हैं कि जब कोरोना काल आया तो उस दौरान में काफ़ी हॉस्पिटल वगैरह का पोल खुलना चालू हो गया, स्वास्थ्य से संबंध में अगर पूछा जाए तो उसमें काफ़ी पोल खुलने लगा, तो आपको क्या लगता है स्वास्थ्य का बहुत अच्छा रहा उनका? चलिए शिक्षा में वो लड़की को स्कूल तक पहुँचाई, ये उनका बहुत रहा। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत परफेक्ट काम किया है, लेकिन हमें कहें ये अच्छा काम किया है, एजुकेशन में उन्होंने अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य में भी उनकी कोशिश अच्छी रही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात समझने की बात है कि जो एपिडेमिक आया है, इस एपिडेमिक के लिए भारतवर्ष तैयार नहीं था और न हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, इस वजह से हम लोग फेल्योर हो गए, और इस फेल्योर को मानना पड़ेगा, हमारे सरकार को मानना पड़ेगा कि हम लोग किसी भी एपिडेमिक के लिए, किसी भी अनएक्सपेक्टेड प्राकृतिक आपदा के लिए हम लोग तैयार नहीं है, हमारे पास इस तरह का कोई बैकअप प्लान नहीं होता, ये तो हमने दिखा है। अब आखिरी सवाल है आपसे कि अगर आप गठबंधन सरकार अभी आएगी तो किस तरह का ये विकास का कार्य होगा आपके क्षेत्र में, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे लिए। अब गठबंधन सरकार आएगी तो हमने कहा सबसे पहले हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पहले एजुकेशन सिस्टम के को एजुकेशन क्लास में स्कूल में टीचर्स आएँ और बच्चों को इसकी सुविधा मिले, एजुकेशन पहला होगा। दूसरा स्वास्थ्य है, जो आपने कहा वो स्वास्थ्य पे लोग काम करें। तीसरा है कि कम्युनिकेशन के लिए जो सड़क है उस पर काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, साथ साथ अब ज़रूरत है कि फैक्ट्रियां बने, अब बिहार में लोग आए बिना डरे, इन्वेस्टमेंट करें और रोजगार जनरेट हो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। मतलब कि आपका कहना है कि रोजगार भी बहुत बड़ा आने वाला समय में आप लोग का एक मुद्दा रहेगा और आप उस पर काम कीजिएगा, आपकी सरकार काम करेगी। देखिए VIP पार्टी के सिर्फ थाना पल्ला ने हमेशा कहा है इस बात के लिए कि हर हाल में
उद्योग कारखाना लगाना होगा नए बच्चों को, जो हम लोगों ने आज सिर्फ झंडा लेकर ढोने के लिए काम दे दिया है। आज हम लोगों को ये बताना है कि बेटा आपके अंदर जो ताकत है, आपकी जो शक्ति है, वो किसी बात को लेके बुराई करने या फेसबुक तक मत सीमित रखो। आप अपनी कंपनी खड़ा करो और सरकार आपके कंपनी को खड़ा करने में मदद करे, ये प्रयास सरकार का होगा। ये इस बात के लिए हम लोग बहुत चढ़ बढ़ के अपने जो शीर्ष नेता है उन पर दबाव डालेंगे, और उनका ये मैनिफेस्टो भी है, और खासकर वीआईपी का तो बिल्कुल है कि वो उद्योग धंधे के लिए बिल्कुल आगे आएंगे और हर तरह से इस बात के लिए अपनी बात को सरकार में रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।